यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक और प्रशासन संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिशों में शिद्दत से लगा हुआ है, तो वहीं नए मामलों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आंकड़ा 200 के पार जा पहुंचा है और संक्रमण की संख्या में अचानक हुई इस इजाफे के लिए बहुत हद तक दिल्ली के मरकज में शिरकत कर सूबे में अलग अलग जगहों पर लौटे जमाती जिम्मेदार हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की तमाम अपीलों की अनदेखी कर ये जमाती जगह जगह छिपे बैठे हैं और लोगों को कोरोना का संक्रमण बांट रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में लखनऊ में तबलीगी जमात के 12 लोगों को यहां के सदर इलाके की एक मस्जिद से पकड़ा गया है, जिनकी जांच कराई गई तो 12 के 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लखनऊ का सदर क्षेत्र है, यहीं से कल 12 तबलीगी जमात में शामिल हुए लोग पकड़े गए थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। उनकी जब जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। यही वो मस्जिद है जिसके अंदर वो 12 तबलीगी जमात के लोग छिपे हुए थे, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने उनको यहां से पकड़ा और उसके बाद उनका जब मेडिकल परीक्षण कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इस पूरे मस्जिद को सील कर दिया गया है, इस इलाके को सील कर दिया गया है। इस इलाके में उन लोगों की भी जांच की जा रही है जिसके टच में वो तबलीगी जमात के लोग आए थे, जिनसे वो मिले थे, जिनको उन्होंने टच किया था, उन सभी लोगों की जांच की जा रही है। इस पूरे इलाके को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। इस वाकये के बाद पूरे सदर इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आम दरफ पूरी तरह से रोक दी गई है और उन लोगों की तलाश जारी है जिनका इन जमातियों से राफ्ता रहा है। सूबे के तमाम जिलों में जमातियों की धर पकड़ जारी है। बलरामपुर से तबलीगी जमात के 13 लोगों के क्वारंटीन की खबर है, तो मिर्जापुर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 6 जमातियों की पहचान हुई है। ऐसे ही कानपुर में 22 जमातियों को क्वारंटीन किया गया है। इन्हें शहर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के बाद कानपुर में भी मेडिकल स्टाफ के साथ जमातियों ने बदसलूकी की है और क्वारंटीन वार्ड में थूक कर गंदगी फैला रही हैं। ये जो मरीज थे, जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे बहुत दुख हुआ और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे। एक तो छिपने छिपाने का खेल और फिर पकड़े जाने पर मेडिकल स्टाफ और नर्सों से बदसलूकी। जाहिर है इन जमातियों को सख्त सबक सिखाने की दरकार है। गाजियाबाद में बेशर्म जमातियों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब बारी कानपुर के इन जाहिल जमातियों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। देश के हर राज्य में कोरोना अपने पैर जमाता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3000 के पास पहुंच चुकी है। इस समय भारत में कुल कोरोना मरीज 2900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिनमें से 68 लोगों ने वायरस की वजह से दम तोड़ा है। भारत के कुछ राज्य में कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में कहर मचाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले से देश में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अब तक तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली, और 1023 पॉजिटिव केसेस related with this incident has been noted across 17 states. कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। यहाँ शनिवार को कोरोना वायरस के 47 नए मामले सामने आए। इस राज्य में कुल 537 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली में मरकज मामले के बाद बड़ा इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 400 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोविड-19 महामारी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव केस के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ भी बीते 2 दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। इस राज्य में कोरोना वायरस के 418 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना महामारी से 1 की मौत भी हो चुकी है और 6 पूरी तरह से ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में केरल 4 नंबर पर पहुंच गया है। इस राज्य में भारत का पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था।
अब तक केरल में कोरोना वायरस के 338 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से 200 के बीच तक पहुंच चुकी है। सभी राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिससे देश में बढ़ते कोरोना महामारी को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।